नमस्कार दोस्तों, लक्ष्यपुर में आपका स्वागत है। चलिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं केमिस्ट्री में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए, मस्टर्ड गैस का प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। क्लोरोपिक्रिन, यह एक अत्यंत विषैला द्रव है। मार्स गैस CH4 बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है भाई। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। एलपीजी गैस में गंध इथाइल मरकैप्टन के कारण होती है। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि एलपीजी गैस में जो गंध होती है वो एलपीजी की नहीं होती है। एलपीजी गैस में गंध इथाइल मरकैप्टन के कारण होती है। अगला है नेक्स्ट TNT, जो एक विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रो टालविन का उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। साइक्लो ट्राई मैथिलीन, ट्राई नाइट्रामीन या साइक्लोनाइट, जो सामान्यतः RDX नाम से जाना जाता है, इसकी खोज फ्रेडरिक हेनिंग द्वारा की गई थी। पायरिन नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है पायरिन CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग, मतलब इसे हम पायरिन को कार्बन टेट्राक्लोराइड कहेंगे, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने में किया जाता है। देखिए, बिजली से लगी आग को पानी से तो बुझाएंगे नहीं, तो इसलिए बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए पायरिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है नहीं? अगर पानी से बुझाने लगे तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। आगे है रैक्सीन, यह सेल्युलोज नामक वनस्पति से निर्मित एक कृत्रिम चमड़ा है। जो रैक्सीन होता है वो एक कृत्रिम चमड़ा है जो सेल्युलोज नामक वनस्पति से निर्मित होता है। आगे है ल्यूसाइट, यह एक अत्यंत विषैली गैस है जिसका निर्माण एसिटिलीन व आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड AsCl3 की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराकर प्राप्त की जाती है। आगे है गमेक्सेन, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को गमेक्सेन कहते हैं। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को गमेक्सेन कहते हैं। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है। नेक्स्ट DDT, इसका रासायनिक नाम डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन है। यह एक प्रमुख कीटनाशक है। इससे आगे है पाश्चुरीकरण। देखिए, पाश्चुरीकरण से एक क्वेश्चन PCS 2019 जो परसों पेपर हुआ है उसमें आया है। यह द्रव खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। इसमें द्रव को लंबे समय तक गर्म करके शीघ्रता से ठंडा कर लिया जाता है। सामान्यतः इसका प्रयोग दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। तो देखिए, PCS में क्वेश्चन आया था लगभग इस तरीके से कि चार दिए थे, तो चार में से एक ही क्वेश्चन में चार स्टेप दिए थे। तो उसमें पहला था अलवणीकरण, उसके आगे लिख दिया समुद्री जल। तो देखिए, समुद्री जल को जो है उसको अलवणीकरण यानी कि उसमें से लवण, जो उसमें नमक होता है, उसे निकाला जाता है। ठीक है नहीं? तो उसी तरीके से पाश्चुरीकरण, और पाश्चुरीकरण के आगे लिख दिया गया चाय। तो चाय का पाश्चुरीकरण थोड़ी ना किया जाता है, पाश्चुरीकरण किया जाता है दूध का। ठीक है, नेक्स्ट आगे है कोरंडम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 के क्रिस्टलीय रूप हैं। माणिक्य और नीलम भी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। माणिक्य और नीलम भी, देखिए माणिक्य और नीलम क्या है? ये माणिक्य और नीलम जो आप पत्थर पहनते हैं उंगलियों में, जो पहना जाता है। ठीक है, चलिए तो इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।